गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम रिवीजन करने वाले हैं टेस्ट नंबर 3। ठीक है, आपको बताया गया था जैसे कि आपके 4 टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं बेटा, और आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमने आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपका लंबा क्वेश्चंस उसको आप शॉर्ट्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से अब आपकी तैयारी हो गई होगी और मुझे उम्मीद है और पूरी होप भी है कि आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे से अच्छे टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। ओके, तो जो आपका जो थर्ड टेस्ट है बेटा, उसका जो सिलेबस है उसमें आपकी एक्सरसाइज आएंगी 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4। आपको बताया भी गया है, आपके पास स्नैप भी भेजी गई है ताकि आपको सिलेबस में कोई डिफिकल्टी ना हो और कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब आपकी रिवीजन हम जो भी करेंगे, अब नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा आपका वो कब होगा, फ्राइडे को टेस्ट होगा थर्ड टेस्ट। ओके, सेकंड टेस्ट आपका ट्यूसडे को है। सो अब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो आज हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी 3.1 की। ठीक है, तो देखो 3.1 जो हमारी है ना, इसमें क्या करना है, हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो बेटा मैं मानती हूँ कि फैक्टर्स ना सबसे इजी चैप्टर होता है, सबसे इजी एक्सरसाइज है हमारी, है ना, क्योंकि देखो बेटा मल्टीप्लाई हमें सबको आती है ना। और हमने फैक्टर का मतलब भी क्या होता है कि अगर एक डिजिट आपको दे दिया जाता है तो वो कौन कौन सी टेबल पे आता है वो उसके फैक्टर्स है, बस सिंपल। तो जैसे आपको फर्स्ट आया आपका यही है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फ्लोटिंग नंबर्स। फर्स्ट आपको दिया गया है 24। अब ये देखो 24 किस किस की टेबल पे आता है, 1 की टेबल पे। 1 तो देखो ऐसा एक डिजिट होता है, ऐसा एक नंबर होता है कि हर नंबर इसके पे डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, सब कुछ होता है ना। तो 1 मल्टीप्लाई 24 ये आता ही आता है। अब फिर देखो 2 की टेबल पे आता है, 2 की टेबल पे भी आता है, 12 जा कितने होते हैं 24 होते हैं। अब अच्छा, अब एक बात बताओ कैसे पता चलेगा कि 2 की टेबल पे आता है कि नहीं आता, सबको तो 12 की टेबल नहीं आती है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको 12 से, इसको जो 24 है ना इसको 2 से हम करेंगे डिवाइड। देखो 2 वन जा 2, 0 ऊपर से 4 उतारा, 2 जा 4, देखो पूरा कट गया ना, किस पे आया बेटा 12 पे, और 12 जा कितने होते हैं 24 ही होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 12 एक फैक्टर ये बन गया। फिर अब हमने देखना है कि 3 की टेबल पे आता है, तो देखो 24 3 की टेबल तो मोस्टली सबको आती है, 3 8 24 होते हैं, तो वो हमने लिख दिया। फिर देखो 4 की टेबल पे आता है, 4 की टेबल पे 24, तो 4 6 जा कितने होते हैं 24, 4 की टेबल भी आप लोगों को आती है तो 4 6 जा 24 होते हैं, लिख दिया हमने। अब हमारा क्या आता है, 5 5 की टेबल पे नहीं आता, 6 की टेबल पे आता है, तो देखो ये इसी का ही उल्टा हो जाएगा, है ना। 7 की टेबल पे नहीं आता, 8 की टेबल पे आता है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई, तो वही रिपीट होते चले जाएंगे। तो फैक्टर क्या होंगे हमारे 24 के, देखो 1 की टेबल पे आता है, 2 की टेबल पे आता है, 3 की टेबल पे आता है, 4 की टेबल पे आता है, और फिर 6 की टेबल पे आता है, 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो भी तो 24 ही आएगा। 8 की टेबल पे आता है, 12 भी 24 भी, ये इसके क्या है फैक्टर है ना, सिंपल सा। इसी तरह ये क्या है 21 किस किस की टेबल पे आता है, 21 की 1 की टेबल पे, 3 की टेबल पे, 3 7 है 21 होता है, और फिर आते हैं 7 की टेबल पे। तो फैक्टर्स के कौन कौन से हो गए, 1 3 7 एंड खुद 21, क्लियर। फिर ऐसे 18 है, 18 भी, 18 किस किस की टेबल पे आता है, देखो 1 की टेबल पे, 2 की टेबल पे, 3 की टेबल पे, ठीक है, 4 पे नहीं आता, 5 पे नहीं आता, 6 पे आता, अभी इसी के उल्टे होते चले जाएंगे, तो हम यही लिख देंगे 1 2 3 6 9 और 18, ये इसके फैक्टर है। सिंपल से क्वेश्चन का बिल्कुल ही इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर जैसे आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट 5 मल्टीपल, मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई है, सबसे पता है फर्स्ट 5 लिखने, जैसे मैंने 5 दे दिया, 5 के क्या होंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 5 तक मल्टीपल यही होंगे, तो वही लिख देंगे 5 10 15 20 एंड 25 इज द 5 मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। इसका 9 है, 9 के 5 मल्टीपल लिखो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो इसके 4 मल्टीपल क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे सिंपल। अब है मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 आर, कहते हैं 9 के मल्टीपल हमने लिखने हैं और अप टू, यानी हमने क्या करना है कि 100 से छोटा ही होने चाहिए और 90 के मल्टीपल होने चाहिए। देखो बेटा 19 के मल्टीपल है तो हम 9 10 जा 90 तक हमने काउंटिंग कर दी। अब देखो अगर मैं इसमें 9 और प्लस करूंगी तो देखो 99 आएगा ना मेरा, ये 100 से तो कम है बट ये 100 तक तो हमने जाना ही है, तो एक इसमें इंक्लूड में क्या कर दूंगी, 99 भी कर दूंगी, क्लियर। फिर व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू नंबर्स, ठीक है, टू ओड नंबर्स, एनी टू ओड,
ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दो ऑड नंबर्स का सम बताओ। तो ऑड नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1, 3, 5, जो 2 की टेबल पे को डिवाइड नहीं करते, जो 2 की टेबल से नहीं आते, तो वो कहते हैं ऑड नंबर। तो पहला ऑड नंबर हमारा 3, 2 तो होता ही है इवन, तो फिर 3, 1, 1 और 3 कितने होते हैं 4, 2 ऑड नंबर फिर 3, और फिर इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 5, 4 तो इवन होता है, फिर 5 को कर दिया तो ये क्या 2 ऑड नंबर को हमने वो करना था, ठीक है। फिर जैसे इसी टाइप के आ जाएंगे आपके ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में ऐसे पूछा जाएगा जैसे दिस सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, कहते हैं क्या 3 ऑड नंबर का आंसर हमेशा इवन होगा, जरूरी तो नहीं है। देखो 3 ऑड नंबर्स, देखो पहले ऑड नंबर 1, सेकंड 3, फिर 5, मल्टीप्लाई करो 3 और 1 4 और 4 5, देखो ये तो ऑड आया, इवन नहीं आया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑल प्राइम नंबर आर ओड, क्या हर प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं, भाई प्राइम नंबर तो ओड नंबर नहीं हो सकते है ना, ओड नंबर तो 1, 3, 5, 7 होते हैं, प्राइम नंबर में टोटल सारी काउंटिंग आती है ना, तो जरूरी तो नहीं होता कि भाई ओड नंबर ही होते, इसका क्या जाएगा फोर। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। सो अब आपने तैयारी करनी है, बाकी के रिविजन मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी, ओके। सो हैव ए नाइस डे।